तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे, जश्न मना रहे, ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल आ चुका है हिंदुस्तान में। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आप इसे देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे को रोड में घूमकर मिठाई बांट रहे, बधाइयां दी जा रही है और बहुत ही अच्छे से ये बात बताया जा रहा है कि मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया, गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए कर दिया, इसको लेकर जगह जगह पे मिठाई बट रही है, लोगों को बताया जा रहा है बहुत ही अच्छे से। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। ये मिठाई है, मोदी जी ने एक नया इतिहास रचा है। इतिहास इस तरीके का है कि 900 के पार हुआ सिलेंडर जिसे आप खाना बनाते हैं और 100 रुपए पार हुआ डीजल के दाम, इसकी खुशी में आपको मिठाई दी है। ये भाई मिठाई खाइए। मोदी जी ने 100 के पार किया डीजल पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में मोदी जी 100 रुपए पार के लगा डीजल पेट्रोल के दाम है, खुशी में। पेट्रोल सर 100 का पार हुआ है पेट्रोल, गैस हुआ है ना, इतना बड़ा काम किए हैं मोदी साहब। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से रोड में घूमकर मिठाई बांटा जा रहा है, लोगों को बधाइयां दी जा रही है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया हिंदुस्तान के अंदर और ऐसा काम शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का दाम जो है वो आसमान तक पहुंचा दिया है मोदी जी ने। और सिर्फ वोट मांगने के लिए आपके घर जब आएंगे तब आपसे कहेंगे कि आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपको 35 से 40 रुपए में पेट्रोल डीजल ये सब दिला देंगे, लेकिन जब आप वोट दे देंगे उसके बाद जब इनकी सरकार बन जाएगी तब आपको ये ऐसा हाल बनाकर आपका छोड़ देंगे, आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। तो ये हाल हो चुका है हिंदुस्तान का और एक तरफ लोग लगातार इसको लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी को मिठाई बांटा है पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर तो आप अपना जवाब जाइए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।